आप लोग अडानी से निकलिए, अडानी के कब्जा से निकलिए। और जो भारत में आप लोग 370 हटा सकते हैं, लेकिन प्रावधान को बदल के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में आप लोगों को दिक्कत है। 370 हटाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, उसी तरह प्रावधान बदलिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, अच्छी बात होगी ये। अरे हिंदुत्व का ठेकेदार आप ही लोग हैं क्या? मतलब जो जो आपके दल में नहीं है वो हिंदू नहीं है, वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है क्या? ऐसा नियम बना दिए हैं आप लोग। रामचरितमानस के बारे में खाली आप ही बोलिएगा और कोई नहीं बोलेगा। हर दल के लोगों को अधिकार है अपने धर्म के बारे में बोलने का, सिर्फ आपको नहीं है, इस बात को आप लोग समझ लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय, जो मुझे बोलने का मौका दिया गया, आज मैं बताना चाहता हूं बिहार के बजट जो थी, जस्ट ए कंपैरिजन है कि 2004-05 में 23,000 करोड़ की बिहार की बजट थी और आज 2,61,000 करोड़ का बजट है। और वो भी ये बजट कब है आप देख सकते हैं, 12 गुना बजट बढ़ गया पिछले 17 साल में। और वो बजट कब है जब केंद्र सरकार 1% भी अपना अतिरिक्त सहयोग नहीं की, अपने बलबूते पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की दशा और दिशा को बदल दिया इस 17 साल में। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, शुरू से हमारे सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे दल के सारे लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि विशेष राज्य की दर्जा दें। विशेष राज्य की अगर दर्जा मिलती तो बिहार में भी उद्योग लगते और ये जो बजट 2,61,00,000 का है, ये बजट बढ़ करके 500 लाख करोड़ का होता। लेकिन ये हमारी जो केंद्र में भाजपा की सरकार है वो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, और ये आज से नहीं, ये ठग रही है। ये जब 9 साल से वहां पे केंद्र में सरकार है तो क्या दायित्व बनता था? क्यों सब कुछ गुजरात में ही क्यों होता है, बिहार में क्यों नहीं होता है? आज मैं अपने भाजपा के साथियों से कहता हूं, आप लोग के तो प्रगाढ़ संबंध है अडानी और अंबानी से, क्यों नहीं प्रतिनिधि मंडल बना के जाते हैं, हाथ पकड़ के पैर पकड़ के कहते हैं बिहार में भी कुछ इन्वेस्ट कीजिए। अकेले कितना पार्टी चलवाइएगा, बिहार का भी विकास में कुछ रोजगार बढ़ेगा अगर उन लोग यहाँ पे आए तो? ये नहीं करेंगे, इनको भी बिहार से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ पॉलिटिक्स करना है, जाति पार्टी में मतलब डिवाइड करना है, हर लोगों को डिवाइड करके डिवाइड एंड रूल वाली रणनीति अपनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात मेडिकल का मैं हूं तो बताता हूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम हुआ है। पहले बिहार में मात्र 8 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और आज के दिन में 17 मेडिकल कॉलेज बिहार में खुल गए हैं, और वो भी अपने बल पे 17 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 12 और स्ट्रीम लाइन है, अगले 2 साल में 12 मेडिकल और मेडिकल कॉलेजेस खुल जाएंगे, 30 मेडिकल कॉलेजेस हो जाएंगे। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल रहा है, 33 इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुका है, आगे भी खुलने वाला है। रोजगार के क्षेत्र में देखिए, आप लोग तो 2 करोड़ की बात करके जनता को ठग लिए, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभी बोले और अब 4 लाख रोजगार जो नियुक्ति है सरकारी नौकरी इसी साल देने वाले हैं, और उसमें डिपेंडेंट रोजगार अलग से व्यवस्था होगा लोगों का। 10 लाख की जो बात हुई है वो भी हम लोग कर रहे हैं, तो हर तरह से हम लोग लगे हुए हैं। और जो नीति माननीय मुख्यमंत्री अपनाते हैं वही नीति केंद्र सरकार अपनाती है, बाद में उसका अनुकरण करती है। जैसे कि हर घर नल जल योजना बिहार में 2016 में शुरू हुआ और केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के नाम से अगस्त 2019 में शुरू की उसको। जीविका बिहार में अक्टूबर 2007 से शुरू है और आज के दिन में 1.25 करोड़ महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार उसी का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन 2011 में लाए। हर घर बिजली 2016 में शुरू हुआ और केंद्र सरकार सौभाग्य योजना के नाम से 2017 में किए। तो जो जो माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और जल जीवन हरियाली जो है बिहार में अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया, तो केंद्र सरकार अमृत सरोवर योजना के नाम से 2022 में उसको लाए। तो भाई इतना कुछ आप लोग कर रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दे, और इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक आंदोलन होना चाहिए बिहार में। जब और बजट बढ़ेगा, आज आप देख रहे हैं कितना दुखद है, सारे बिहारी दुखी हैं कि तमिलनाडु में बिहारी की हत्या हो गई। जर में जाइए, क्यों हत्या हुई? आप लोग यहाँ पे 2 साल मात्र सरकार में नहीं थे, 15 साल लगभग सरकार में थे, तो क्यों नहीं उस वक्त आप लोग
जब केंद्र में भी सरकार में थे तो विशेष राज का दर्जा दिए, उस वक्त कहां थे? इसके लिए जिम्मेदार आप लोग हैं। अगर विशेष राज का दर्जा मिलता तो हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता। और आज जो भी उद्योग लग रहा है बिहार में वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कृपा से लग रहा है, और इनकी सोच है, दूरदर्शिता है कि आज बिहार में उद्योग भी लग रहे हैं। इसमें किसी किसी का कोई योगदान नहीं है। और आज इथेनॉल प्लांट की जो बात कह रहे थे आप कि आपके शासनकाल में लगा, तो मैं थोड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इथेनॉल बनाने का परमिशन माननीय मुख्यमंत्री 2007-08 में ही, 6 या 7 में ही मांग लिए थे केंद्र सरकार से। उस वक्त उसके उसमें भी नहीं मिला, भाजपा की सरकार बनी उसके बाद भी नहीं मिला। तो शुरू से ये इसमें लगे हुए थे। अगर ये होता तो पहले से इथेनॉल प्लांट आज बिहार में लग जाता। आज महिला सशक्तिकरण की बात देखिए, आज हजारों शिक्षकों का, 1.5 लाख शिक्षकों का रोजगार इसी साल इसी में बहाली होने वाला है। स्वास्थ्य विभाग में, अरे कल तक आप क्यों चुप थे? आप तो साथ में ही थे 15 साल, ढोल बजा रहे थे 15 साल, और आज दो दिन में आपको परेशानी हो गई 2 साल में। कल तक माननीय सदस्य श्री जनक कुछ नहीं स्थान ग्रहण करें, इन लोगों को सच्चाई बर्दाश्त नहीं होता है। आप स्थान ग्रहण, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष, विशेष राज के दर्जा पे सब चुप बैठे हैं। बोलिए बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप इस पे? मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद हर जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया, हर जिला में नर्सिंग कॉलेज खुल गया, हर जिला में आईटीआई कॉलेज खुल गया। किनकी देन है ये? सड़कों का जाल बिछ गया। हर घर जल योजना के बारे में जो कह रहे थे कितना परसेंट है, मेरे विधानसभा में 90% कार्यरत है और हर एक विधानसभा में है। बस 10% जो होता है वियर एंड टियर चलता रहता है, मैकेनिकल फॉल्ट, उसको आप लोग उजागर करते हैं, लेकिन जो 90% कार्यरत है उसकी बात आप लोग नहीं करते हैं। मैं अमेरिका गया था, वहां पे बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका में ने मुझे बुलाया था, वहां पे संगठन ने, तो वो इतना खुश थे जो 10 साल बाद बिहार आए तो बिहार की दशा और दिशा को बदलता हुआ देखकर वहां पे भी लोग चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भरोसा जताया। अब पहले लोग रिटायर करते थे, कहीं पे नौकरी करते थे, वहीं घर बना लेते थे। आप लोग खुद बताइए, आज गांव में जाके देखिए, कोई भी जवान अगर झारखंड में हो चाहे छत्तीसगढ़ में भी नौकरी किया हो, रिटायरमेंट के बाद आकर अपने गांव में घर बना रहा है, क्योंकि गांव में आधारभूत संरचना हो गई है, बिजली है, पानी है, सड़क है, कानून व्यवस्था अच्छी है, और अपने गांव में वापस आ रहे हैं। इसी के लिए मैं कहता है कि आप लोग भी सहयोग करें। अगर आप लोग सहयोग करेंगे, केंद्र में सरकार है, तो जरूर हमारा बिहार, जिसको आप लोग हर समय, और आप लोग बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं पूरे देश में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बिहार का जो इतिहास है, गौरवान्वित इतिहास है, उसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में उस इतिहास को, के गौरव को और बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा बिहार जो है गौतम बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, इसलिए आप लोग बिहार को बदनाम जंगल राज के नाम से नहीं किया करें। ऐसा कुछ नहीं है, 2-6 महीने पहले मंगल राज, और आज जंगल राज की बात आप लोग करते हैं। वही राज है, वही मुख्यमंत्री है, वही कानून व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह जो भी घटनाएं, लोग कहते हैं कि बालू के कारोबारी के बाद जांच का विषय है, महोदय, मैक्सिमम बालू के कारोबारी भाजपा के सदस्य निकलेंगे, उनका जांच कराया जाए। सक्रिय सदस्य भाजपा के निकलेंगे बिहार में जितने बालू के कारोबारी हैं। तो कुछ से कुछ बोलना है तो अलग बात है। माननीय मुख्यमंत्री से मैं यही आग्रह करता हूं, हर जगह मेडिकल कॉलेज बन गया, खगड़िया में भी मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए, यही मेरा आग्रह है। विशेष और कुछ नहीं कहना है। और भाजपा के लोग भारत माता की जय बोल करके गुमराह लोगों को करते हैं कि भाई भारत माता की जय क्यों, बिहार का जय क्यों नहीं करते हैं आप? बिहार भारत का नहीं, बिहार की जय बोलिए। बिहार भी भारत का अंग है, बिहार को जय बोलिएगा तो भारत माता की जय स्वयं होगा। आप लोग अडानी से निकलिए, अडानी के कब्जा से निकलिए, और जो नहीं नहीं बचिए बचिए बचिए, बिहार की जय बोलिए, भारत माता की जय के साथ बिहार की भी जय बोलिए, सिर्फ भारत माता की नहीं, जय बिहार बोलिए। इसमें क्यों कष्ट हो रहा है? रामचरितमानस का तो बात है ही, अरे हिंदुत्व का ठेकेदार आप ही लोग हैं क्या? मतलब जो
जो आपके दल में नहीं है वो हिंदू नहीं है, वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है क्या? ऐसा नियम बना दिए हैं आप लोग। रामचरितमानस के बारे में खाली आप ही बोलिएगा और कोई नहीं बोलेगा। हर दल के लोगों को अधिकार है अपने धर्म के बारे में बोलने का, सिर्फ आपको नहीं है। इस बात को आप लोग समझ लें। भारत में आप लोग 370 हटा सकते हैं, लेकिन प्रावधान को बदल के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में आप लोगों को दिक्कत है। 370 हटाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, उसी तरह प्रावधान बदलिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, अच्छी बात होगी ये। धन्यवाद। अच्छा अध्यक्ष महोदय।